खाली करिए ये जगह। अरे महिलाओं के लिए आरक्षित है ये जगह, अब खाली करिए। पूर्व दर्शक की जगह खाली करिए। वो बॉक्स तक, ये छोटा वाला नहीं, वो बड़ा बॉक्स तक। प्रभास प्रभास ये जो पेड़ है वहां पर महिलाओं के लिए उस स्थान को हम लोग सुरक्षित रखे हैं। अतः विनम्र निवेदन है आप लोग कृपया करके उस स्थान से हट जाए। तो चलिए बातों बातों में जुड़ते हैं इस मैच का साफ 2023 वर्ष का सबसे बेहतरीन और सबसे हाई वोल्टेज मैच। ये तरफ है झारखंड तरु ब्लैक कलर का जर्सी पर और पीले रंग के जर्सी पर जिस टीम को आप देख रहे हैं वो टीम है खड़गपुर। इस मैच का संचालन करते हुए इस बार एक अच्छा मौका मिला है गोल के लिए तैयारी सिलेक्शन होता हुआ गोलकीपर पूरी तरीके से तैयार है। काफी रफ्तार रही है मैच में और इस रफ्तार को बनाए रखना होगा। बेहतरीन तरीके से क्रॉस आई थोड़ी सी मिस होता हुआ गोलकीपर से डबल टच यहां पर देखने के लिए मिला गोलकीपर। लेकिन इस बार कोरा चल मारने दूर से लेकर के टारगेट पर नहीं जिस तरीके से कहते हैं ना पोस्ट की जो फ्रेम है उस फ्रेम पर थी नहीं बॉल चली गई ऑफ टारगेट पर। हेलो हेलो जे जी जी एफ सी गोकाडी के प्लेयर मिस्टर तारुण बस्के जर्सी नंबर 10 आपको मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं। जल्द से जल्द मंच में आकर के अपना प्राइज ग्रहण कर ले। जी बिल्कुल पिछले मैच का हीरो जी जी एफ सी गोकाडी तरुण बस्के आपका स्वागत है मंच पर और आप बने मैन ऑफ द मैच आपको सम्मानित किया जाएगा आज निश्चित रूप से। तरुण बास्के यू आर वेलकम टू दिस स्टेज एंड यू आर गोइंग टू बी अवार्डेड एज वन ऑफ द मैच सो प्लीज वेलकम। ये बेहतरीन मुकाबला यहां पर चलता हुआ और इसके पश्चात लेडीज फुटबॉल का पहला सेमीफाइनल मैच तैयार रहेंगे आप दोनों टीमें और आप दोनों टीमें होंगे झारखंड तरुण बनाम कपाल का शॉट यहां पर सुरक्षा पंक्ति गेंद को छोड़ते हुए सरदार स्वाड़ी खड़गपुर येलो कलर के जर्सी में और सरकार तरफ की टीम ब्लैक कलर के जर्सी में। एक लॉफ्ट लड़की गेंद को रोकने का प्रयास करता हुआ यहां पर खिलाड़ी टीम की तरफ से और बैट पास हुई है परंतु यहां पर रॉन्ग टेक है। लेकिन दिस मैच ऑफ लॉन्ग IFAB यानी कि इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड का लॉ नंबर 12 फाउल एंड मिसकंडक्ट हुई है और ये फ्री की लॉ नंबर 13 के तहत कोरा सर मारी द मोस्ट वांटेड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अच्छी रिसीव बाएं छोर से गेंद को रिसीव करने के बाद इत्मीनान के साथ रिलीज की गई है परंतु यहां पर छीनने का प्रयास करता हुआ और यह विजय ओडिशा के क्षेत्र के ये युवा खिलाड़ी हर एक टूर्नामेंट में तहलका मचाते हैं और आज सुन मेमोरियल सोसाइटी के सूचना से रखी गई इस 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट में अपना खेल का जौहर को दिखाने के लिए प्रयास करता हूँ। फिलहाल गोलचंद माड़ी जैसे नंबर 6 के सहित गेंद को कंसीड करते हुए और चारों ओवर वायरा करने के बाद गेंद की रिलीज हुई है। रंजीत माड़ी बाएं छोर से गेंद को अपने कब्जे में लेते हुए बैक पास गोरा चांद के लिए गोरा चांद यहां पर गेंद से गया है एक अच्छी शॉट जरूर टारगेट पर नहीं पाए जो 7.32 मीटर और 2.44 मीटर की फ्रेम है फ्रेम के अंदर गेंद को रख नहीं पाए अन्यथा एक बड़ा अचीवमेंट हासिल होता
टीम सरकार तरफ को कमाल का प्रयास, दो दो प्रयास लेकिन कामयाबी मिली नहीं अब तक। पहला हाफ का खेल, एक और एक सुदक्ष टीम, एक सशक्त टीम ब्लैक कलर के जर्सी में सरकार तरफ और दूसरी ओर पीले कलर की जर्सी में सरदार स्वर्णिम की टीम। निश्चित तौर पर प्रभास जी, अभी तक अगर मैच की कहानी को निचोड़ कर देखा जाए तो यहाँ पर झारखंड क्रू निश्चित तौर पर दबाव डाला है और अभी तक दो मरतबा शॉट ऑन टारगेट लेने की तैयारी, यानी कि तो चलिए यहाँ पर तरुण बास्के जी आए हैं, मैन ऑफ द मैच उनको सम्मानित करने के लिए बारी आई है। चुनुराम हंसदा अलग प्रकार से प्रमोट किया गया था तो उनको सम्मानित करने के लिए विक्रम सर आप आएंगे। विक्रम सर आपके शुभ हाथों से इनको सम्मानित किया जाएगा। मैन ऑफ द मैच टीम आपका प्राइस में गई है, एक बड़ी अचीवमेंट और आपको क्वार्टर फाइनल में स्पेस खेलने के लिए मौका मिली है निश्चित रूप से, निश्चित तौर पर। और विक्रम सर आपके शुभ हाथों से इसको सम्मानित किया जाएगा और इस पल को कैमरे में कैद करने के लिए हमारे मेंबर्स भी कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। और जो जी बातों में कहा जाता है कि समेट लो इन नाजुक पलों को, ना जाने लम्हे कल होना हो, समेट लो ये नाजुक पलों को, ना जाने ये लम्हे कल होना हो, अगर हो भी ये लम्हे क्या पता उसमें हम शामिल होना हो। तो चलिए हर एक पल को, हर एक क्षण को हम एंजॉय करेंगे, अपने आप को एंटरटेन करेंगे और जो ना चाहेंगे मुझे चोर ऑन द कॉम्बॉक्स। निश्चित रूप से यहां पर टीम खड़गपुर बेहतरीन तरीके से बॉल को रिलीज किया, टच लाइन का कभी करी साफी गाड़ी माइनस करना चाहते थे लेकिन दूसरी तरफ डिफेंडर मौजूद, डिफेंडर लॉन्ग बॉल के माध्यम से बॉल को रिलीज करते हुए टच लाइन के काफी करीब से बॉल को, लेकिन इस बार खड़गपुर कमाल का मैच खेलते हुए, एक तरफ है झारखंड दूसरी तरफ है बंगाल, दोनों के बीच चलता हुआ आज का एक रोमांचित मैच आप देख रहे हैं वीर दीवा किशुन मेमोरियल सोसाइटी की सौजन्य से। बिल्कुल जॉन, यहां पर एक कमाल का मुकाबला शून्य शून्य के बराबर, दोनों ही टीमें जीत को जीत करने के लिए प्रयास करेंगे और जो भी टीम जीत दर्ज कर जाएंगे प्राइज के होड़ में प्रवेश कर जाएंगे। और जैसे कि बातों में कहा जाता है कि फूलों की खुशबू को दीवारें रोक नहीं सकती, फूलों की खुशबू को दीवारें रोक नहीं सकती, हवाओं के बहाव को मीनारें रोक नहीं सकती, और आप में अगर जज्बा और जुनून हो तो आपकी जीत को रुकावटें रोक नहीं सकती। स्कोरर क्या खूबसूरत के साथ, लेकिन गोलकीपर यहां पर मौजूद थे, उम्मीद थी सेकंड टच की आई भी, लेकिन जिस तरीके से यहां पर हटा इस बार पूरा चांद के कदमों तरफ बॉल आता हुआ, थोड़ी सी वक्त ले रहे हैं साथी के लिए, साथी की तलाश में अंत तक साथी उन्हें मिले, लेकिन इस बार फिर से खड़गपुर जर्सी नंबर 9 नंबर जर्सी प्रतिद्वंदी का हाथ में आते हुए प्लेयर को फीड किया, फीड करने के बाद जिस अंदाज के साथ प्लेसमेंट किया गनीमत रही कि ओपोनेंट टीम के खिलाड़ी झारखंड तरुण ने टच के साथ उनको बाहर करते हुए नजर आए। और यहां पर गेंद के रिफ्लेक्शन थ्रो इन का मौका झारखंड तरुण टीम के लिए, विलंब से आए तमाम दर्शक साथियों को मैं जानकारी देना चाहूंगा, ब्लैक कलर की जर्सी में झारखंड तरुण की टीम और येलो कलर की जर्सी में बंगाल खड़गपुर की टीम। फिलहाल यहां पर गलत तरीका से मारने के लिए प्रयास किया था और इसके बाद वाले मुकाबला जिनकुल लेडीज फुटबॉल का सेमीफाइनल टूर्नामेंट का जो सेमीफाइनल मुकाबला पहला सेमीफाइनल इसके तुरंत बाद होगी, तैयार रहेंगे दोनों ही टीमें झारखंड तरुण परम बी एल एस एल झारखंड और उसके पश्चात दूसरा सेमीफाइनल के लिए तैयार रहेंगे ड्रीम इलेवन बनाम घाटशिला एफसी। और इस रात गोलकीपर फिर से तैयार झारखंड तरुण लंबे गति के गोलकीपर बेहतरीन टीम के साथ साथी को ढूंढते हुए और साथी ने भी लेफ्ट आउट का स्ट्राइकर जर्सी नंबर 7 सात नंबर जर्सी पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर गोरसत माटी गेंद के करीब आने के लिए प्रयास करता हुआ, गेंद को अपने साथी के लिए सरकाता हुआ, मोमेंटम को क्रिएट करेंगे और साधु मार दी
यहाँ पर विजय पूरा विजय गेंद को होल्ड करने के बाद पूरा मोमेंटम को करने का प्रयास करता है, पास हुई है यस नंबर टू पूरा विजय की गेंद और विजय इत्मान के साथ गेंद को रिसीव करने के बाद प्रदान करना चाहे गोरा शर्मा आड़ी गेंद को क्लियर करने का प्रयास करता हुआ और छीना छपी के क्रम में बैट पास हुई है जस्ट नंबर 13 के लिए सर खंडर अब तक सुनने सुनने की बराबरी एक समांतर स्थिति मध्यांतर की सूचना दोनों टीमें छोटे परिवर्तन करेंगे और इसके बाद वाले मुकाबला यानी कि और यहां पर सरदार स्वर्णी गेंद को कोशिश करते हुए चार ओवर मेहनत करने के बाद गेंद को रिलीज करना चाहेंगे यहां पर लोकेट किक के माध्यम से एक अच्छी शॉट निश्चित रूप से लेकिन सुरक्षा पंक्ति गेंद को रोकना चाहा है रोकने में कामयाब भी और बाएं छोर से धीरे धीरे होले होले गेंद को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास फिलहाल जस्ट नंबर 11 टीम के तरफ से टीम के कप्तान विकास सोरेन अपने साथ ही संजय के लिए प्रदान करता हुआ शून्य शून्य का स्थिति पुनः विकास यहां पर चारों मना करते हुए यहां पर गेंद को रिलीज किया है खतरे की घंटी निश्चित रूप से खतरा मंडरा रही है सरकार तरु टीम के खेमे में लेकिन दिशा ही तो और नूरराम जैसे कि दोनों ही टीमें गोल के लिए आक्रमणात्मक रवैया को अपनाते हुए मैच में अपने दबदबा को कायम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं क्या कहना चाहेंगे कि एक मैदानी गोल देखने के लिए हमें क्या एक नसीब प्राप्त होगी या फिर दोनों ही टीमें जाएंगे पेनाल्टी शूट आउट के लिए नो डाउट मुश्किल है लगे इस मंजिल को फतेह करने के लिए बहुत कस बकस की जरूरत है इस मुकाबला के दौरान साधु का फिलहाल अब तक उनका कोई नहीं चल पाया है फिलहाल साधु का जादू लेकिन फिलहाल देखना होगा यहाँ पर विजय रंजीत कंट्रोल करने के बाद साधु के गेंद रिसीव हुआ है क्या कमाल का कंट्रोल लेकिन चेजर के घर में यहाँ पर हाथ पर गेंद टकराते हुए आकाश जैक्सन राउत बोर्ड का सहारा कर चुकी है यहाँ पर एक अतिरिक्त के रूप में मौके मिलेगी यहाँ पर टीम सरदार स्पोर्टिंग खड़गपुर पहले पोस्टर पर डिका सोन एज ए टीम कप्तान डिका सोन स्वयं इस बड़ा किक के साथ शुरुआत करना चाहेंगे डिका सोन लंबी किक यहाँ पर किशन सरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेडर क्लियरेंस सामने के किशन लेकिन इस बार कट कर करके कोशिश इस बार गेंद टारगेट से इस बार बाहर लगे एक अच्छे प्रयास था जब दो मिनट को कट करने के बाद जिस अंदाज के साथ गेंद को क्लियर करने की कोशिश की गई थी अब इस बार निशान से बाहर ये मौके बहुत ही बेहतरीन थे यहाँ पर सरदार स्पोर्टिंग क्लब की टीम के लिए फिलहाल दहने छोर से आक्रमण करने की तैयारी इस बार छोटी सी बात विकास फॉरन टीम के कप्तान दस बड़ी कार में लंबे कद कट के खिलाड़ी साथी गल ढूंढने में सफल रही यहाँ पर मौका होता नहीं काउंटर हो सकता है यहाँ पर इस वक्त क्रॉस हुई है मौका बनेंगे लेकिन प्रवासी क्या कहना चाहेंगे गेंद की रफ्तार काफी ज्यादा थे खिलाड़ी पूरी तरह से समझ नहीं पाया कॉन्टेक्ट से बाहर थी काफी दूर खतरे से बाहर जा चुकी है जिस अंदाज के साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो झारखंड तारों के क्षेत्र के दायरे के अंदर खतरा मंडरा रहे थे फिलहाल खतरे से बाहर यहाँ पर झारखंड टीम के खिलाड़ी काफी रोमांचक मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ नूराराम रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और जिनकी दिल की बीमारी हो कृपया करके इस प्रकार की हार्ट वोल्टेज में इसको कृपया ना देखें अगर किसी का हार्ट फेल हो जाए तो फिर कमेटी जिम्मेदार नहीं होगी कॉर्नर की गेंद को रिलीज करता होगा अपने ऊंचाई का फायदा उठाते हुए लंबे कद के खिलाड़ी यहाँ पर साधु माड़ी दस नंबर की जैसे खिलाड़ी संतोष ट्रॉफी खेल चुके हैं टाटा पर्सन कप्तान जूनियर इंडिया भी खेले हैं यहाँ पर साधु टीम के ओर वैसे गेंद को रिफील करता हुआ और चार ओवर मैन करने के बाद यहाँ पर गोयो के लिए गेंद को रिलीज किया है मोमेंटम को प्रयोग करना चाहेंगे जमीन की गेंद बट स्ट्रेट टू द गोलकीपर वन ऑफ द टॉप मैच ऑफ द टूर्नामेंट और द सिग्निफिकेंट मैच ऑफ द टूर्नामेंट द प्री क्वार्टर फाइनल मैच ऑफ टुडे द जर्सी टीम इज सरदार स्वाणी खड़गपुर एंड द ब्लैक जर्सी टीम इज नॉन अदर देन झारखंड तारू मैच ऑफ सेकंड हाफ बट द टीम आर प्लेइंग वेल And both the team are trying their level best to win the match and to be placed in the quarter-final match. It's a dream. It's a destiny. And it's a determination. It's a blessing for both the team to win the match and to win a prize here. This time once again, Zarkar Taru. Well, after the game, his teammate, at this time, Goyo, the teammate, trying to control over the ball and eventually ball crosses the line and throwing opportunity for the team. Sardar Swani, just number three. Sanjay Murmu throws the ball to his teammate and defending John player Shetar Mani. Once again, just number eight, Shomar. But this time,
तो वेल फास्ट बॉल को रचन वाड़ी वंस अगेन साधु बट वंस एब्रिल पास बॉल टीम एड जस्ट नंबर 15 फ्रॉम जर्कंता रूट टीम फ्रॉम द लेफ्ट साइड बैक पास बॉल को रचन वाड़ी एंड को रचा इन साथ ऑफ हिज टीममेट ट्राइंग टू क्रिएट अ मोमेंटम ऑफ वेल क्लियरेंस एंड दिस इज मिस्टर संजय द सेंटर डिफेंडर ऑन बिहाफ ऑफ जर्कंता रूट टीम गेट्स द बॉल पास बॉल गोयो जस्ट नंबर 11 जर्कंतारू It's a feel. It's a dream to win the match. Lockdown keeper gets chance for PJ. PJ के लिए मौका. Wow! Great finish. Sachin number 16. क्या कमाल का shot और गजब का goal PJ के द्वारा. यही है ओडिशा के क्षेत्र के खिलाड़ी जो हर एक मैच में दल का बचाते हैं. Sachin number 16 और Sachin number 16 ने यहाँ पर 16 भर गया है. विजय अभी आया. तो जारी रखने की पहला कोशिश में सफलता मिस्टर विजय एज अ ग्रेट ब्रदर्स टीम अगेंस्ट टीम का एक महान खिलाड़ी बन चुकी है पहला गोल लगाकर यहां पर जीत का रास्ता खोलने के प्रयास यहां पर खड़गपुर टीम के खिलाफ खिला दिख रहा होगा अभी भी कुछ समय से बची हुई है दिख रहा होगा सरदार स्पोर्टिंग का कितनी असरदार होगा मैच के दौरान सरदार स्पोर्टिंग खड़गपुर 1-0 से पिछड़ रही इस वक्त यहां पर और यहां धारकान तारों का पहला कायल पहला खेत को डालने में सफल विजय इस बार हवा में गेंद मौके हो सकती है यहाँ पर डिफेंडर मौजूद हर किलर से यहाँ पर फिलहाल लगभग साधु होंगे साधु मरंडी गेंद को क्लियर पर रखने की कोशिश ड्रिबलिंग की कोशिश करते हैं पर दो मिनट को छकाने के बाद साधु के ढूंढता हुआ यहाँ पर रंजीत के लिए रंजीत के बाद फिर से साधु लेकिन गेंद को जीतने में सफल टीम के कप्तान विकास और इस बार खिलाड़ी अभी भी काफी समय है ये गोल को दुगुना बल हो सकती थी यहाँ पर एक खतरा टलता हुआ झारखंड तरफ टीम के लिए बिल्कुल कुछ समय के पश्चात इस मैच की परिसमापन होगी और हालांकि मैदान में एक पुरुष वर्ग का टीम झारखंड तरफ है लेकिन इसके बाद महिलाओं का जो पहला सेमीफाइनल का मुकाबला होगा पहला सेमीफाइनल मैच के लिए तैयार रहेंगे टेक्निकल जोन यानी कि फोर्थ ऑफिशियल में झारखंड तरफ बना PLSFA और दोनों टीम के कप्तान अपने महिला टीम को लेकर के तैयार रहेंगे टेक्निकल जोन पर क्योंकि आपको खेला है पहला सेमीफाइनल का मुकाबला हालांकि दोनों ही टीमों को प्राइस मिल चुकी है लेकिन बड़ा प्राइस के लिए दोनों ही टीमें छलांग लगाना चाहेंगे ये हाँ अगला मुकाबला सभी के सभी तेजस्वी खिलाड़ी नजर आएंगी BLSFA बड़ा झारखंड तरफ में यानी कि दोनों ही टीमें कमाल का प्रदर्शन करना चाहेंगी एक दूसरे को आगे बढ़ने का भरसक प्रयास करना चाहेंगे लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग मैच पर बने रहेंगे जो कि जीरो के मुकाबले पर बाद एक गोल से झारखंड इस मुकाबले को लीड कर रही है बिल्कुल समय काफी है मौका है दस्तूर भी है मैच में कमबैक करने के लिए टीम सरदार स्वाड़ी खड़गपुर टीम के लिए विजय के लिए गेंद विजय गेंद को प्राप्त करता हुआ आपने साथी को गेंद देना चाह रहे थे यहाँ पर जस्ट नंबर 11 टीम के कप्तान विकास छिना छपटी के क्रम में यहाँ पर गेंद को छीनने का प्रयास लेकिन छीनने में सफल भी लेकिन थोड़ी सी चूक यहाँ पर फ्री किक का मौका गेंद को रिलीज किया अपने साथी के लिए और यहाँ पर सरदार स्वाड़ी टीम के खिलाड़ी लेकिन तब तक पुनः गेंद के करीब जाते हुए रंजीत मार जी टीम के कप्तान यहाँ पर विजय के लिए गेंद और विजय गेंद को रिपीट करना चाहा है और चार ओवर मना करने के बाद गोयो के लिए गेंद को रिलीज किया जैसे नंबर 11 गोयो बास के गोयो गेंद कोशिश करते हुए एक लंबी गेंद वाओ व्हाट ए हेड और इसी बीच रंजीत गेंद के करीब आने का प्रयास करता हुआ विजय के हेडबॉल हुई है और इस एंड फ्री हेडबॉल इज अ डायरेक्ट फ्री किक ये नियम कहती है जी हां यहां पर प्रभात जी बिल्कुल यहां पर गोल पोस्ट है और यहां से गेंद को फ्रेम के अंदर गेंद को अगर डाला जाए तो कुछ विकल्प जब नजर आएंगे यानी कि यहां विजय जैसे खिलाड़ी बिल्कुल गोल लाइन के अंदर नजर आ रही है गोरचंद बिल्कुल सामने होंगे विकल्प जरूर है मैं गोरचंद के साथ खेलना चाहेंगे कि अगर या यहाँ पर विजय जैसे खिलाड़ी के लिए मौके बनाना चाहेंगे फिलहाल एक मौका बना हुआ है जहां से स्कोर को दुगना बढ़त कर सकती है विजय ने गेंद को बैक हिल फिनिश करना चाहते थे लेकिन वो सफल पूरी तरह से नहीं हुए जिससे चलते ये खतरा से बाहर यहाँ पर खड़गपुर टीम के खिलाड़ी इसी के साथ यहाँ पर जीत दर्ज करता हुआ